रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टॉप चार बना मुंबई इंडियंस के टॉप चार, बड़ी चर्चा का विषय है। इस पर हम बात करेंगे कि किस टीम के टॉप चार बैट्समैन बेस्ट हैं। टॉप चार बैट्समैन मैं बैटिंग ऑर्डर में भी कंपेयर करूंगा, मैं ओवरऑल भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि कई लोग कहेंगे भाई हमारा हार्दिक छूट गया, हमारा कैम ग्रीन छूट गया। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और सबसे पहले कमेंट करके भी आप भी बताइएगा कि किस टीम के टॉप चार सबसे सुपर डुपर हिट है। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं लेता हूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टॉप चार, फिर मैं लूंगा मुंबई इंडियंस के टॉप चार, फिर करेंगे दोनों टीमों का कंपैरिजन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टॉप चार की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग करते नजर आएंगे विराट कोहली, उनके साथ आपको देखने को मिलेंगे फाफ डु प्लेसी। ओपनिंग, इनकी ओपनिंग ये ज़बरदस्त ओपनिंग, और इस ओपनिंग के नाम बहुत से रिकॉर्ड्स हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड है, पिछले सीजन में इस ओपनिंग पेयर ने रिकॉर्ड बनाया कि किसी भी ओपनिंग पेयर के द्वारा एक सिंगल आईपीएल सीजन में सबसे हाईएस्ट रन का। वहीं मैं मुंबई इंडियंस के ओपनिंग पेयर की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, ये उनका ओपनिंग पेयर है। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली अगर मैं बात करूँ, रो बनाम को, रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हु इज़ द बेटर प्लेयर, क्योंकि ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट्री चीज़ है, लेकिन मुझे जब एक पिक करना हो तो मैं हमेशा विराट कोहली के साथ जाऊँगा एज ए बैट्समैन। तो विराट कोहली जो है वो रोहित शर्मा से बेटर करेंगे। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 1, मुंबई इंडियंस स्टिल 0। फिर मैं बात करूँ फाफ डु प्लेसी की, फिर मैं इधर बात करूं ईशान किशन की, तो भाई नो डाउट फाफ डु प्लेसी गॉट बेटर गट्स इन टी ट्वेंटी क्रिकेट देन ईशान किशन। तो 2 आरसीबी और 0 मुंबई इंडियंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बैट्समैन खराब है। इन दोनों टीमों की मैं बात कर रहा हूं तब कंपैरिजन की बात हो रही। उसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं, ओहो मुंबई इंडियंस की बात करूं तो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन सूर्या दादा, और इधर बात करें तो आरसीबी के दुलारे, फैंस के प्यारे रजत पाटीदार, कोई ब्रेनर ही नहीं लगाना, सूर्या दादा बेटर। अब क्यों बेटर मैं ये बता देता हूँ भाई। देखो सूर्य कुमार ने T20 क्रिकेट में प्रूव किया है एबी डिविलियर्स जाने के बाद, अगले 360 वो ही है। सूर्य कुमार यादव ने इंडिया के लिए भी प्रूव किया है, मुंबई इंडियंस के लिए भी प्रूव किया है, एंड नो डाउट ही इज गोइंग टू प्ले एट नंबर 3-4 मुंबई इंडियंस। इधर रजत पाटीदार की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने प्रूव तो कर दिया, किसकी नज़रों में, आरसीबी फैंस की नज़रों में। अगर आप ओवरऑल देखें ना तो रजत पाटीदार ने सिर्फ 7 मैच खेल के 333 रन बनाए हैं। तो 7 मैच अगर आप किसी का क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास 7 मैचेज हैं, तो भाई सूर्य कुमार यादव तो फिर पागल है, वो इतने दिन से खेल रहे हैं और एवरेज भी कई बार तो सूर्या की 50 से ऊपर हो जाती है। जब T20I की बात करता हूँ, लीग गेम में तो फिर भी सूर्या की एवरेज 35-38 के बीच में, लेकिन स्ट्राइक रेट 200 के नज़दीक ही रहता है, रजत पाटीदार का भी रहता है, तो इसमें कोई ब्रेनर नहीं होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस को दिलाते हैं पहला पॉइंट, तो मुंबई इंडियंस स्टिल 1 पॉइंट का ट्रेल कर रही है। अब नंबर 4 अगर मैं बात करूँ, नंबर 4 इधर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, द गोड ग्लेन मैक्सवेल। इधर आते हैं आपके पास तिलक वर्मा। तो अगर आप देखें इन दोनों प्लेयरों को, इन दोनों वही सेम सिनेरियो हुआ है जैसा सिनेरियो रजत पाटीदार का हुआ था आपके जो है नंबर 3 के साथ सूर्य कुमार यादव के साथ, तो मैं यही कहूँगा कि तिलक वर्मा का भी सेम सिनेरियो हुआ है आपके ग्लेन मैक्सवेल के साथ। तिलक वर्मा बहुत छोटा स्पान, ग्लेन मैक्सवेल T20I के बॉस, बिग शो। 3 पॉइंट सीधे जाते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के, 1 पॉइंट रहता है मुंबई इंडियंस के साथ। तो टॉप चार की अगर मैं कंपटीशन करूं तो 3 पॉइंट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत गई है, 1 पॉइंट मुंबई इंडियंस को मिला है, लेकिन इस वीडियो को हम थोड़ा आगे बात करेंगे। टॉप चार पे हम नहीं रुकने वाले, टॉप चार का जवाब तो मैंने आपको दे दिया है, अगर आपकी राय कुछ और है तो कमेंट में जरूर डालें। मैं चलता हूं 5वें प्लेयर की तरफ। पांचवा प्लेयर है इधर हार्दिक पांड्या भाई, आपकी टीम में 5वां प्लेयर है कैम ग्रीन। अगर इनकी मैं बात करूं, मेरे देश का हार्दिक पांड्या है, लेकिन मेरी फेवरेट टीम का कैम ग्रीन भी है। देखो कोई दोहरा नहीं है कि कैम ग्रीन भी गेंदबाजी से इतना इम्पैक्ट नहीं डालते जितना हार्दिक डाल देते हैं कई बार, तो इस चीज़ में कोई दोहरा नहीं है। कैम ग्रीन का छोटा कैरियर है और टॉप ऑफ द ऑर्डर कैम ग्रीन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इवन फॉर मुंबई इंडियंस लास्ट ईयर। लेकिन हार्दिक पांड्या नेचुरल स्लॉट फिनिशर स्लॉट। अगर नंबर 5 की मैं बात करूँ ना तो 1 पॉइंट में मुंबई इंडियंस को ही दूंगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज़ बेटर देन कैम ग्रीन यार। इन एनी केस
है ना, कभी भी आप ये बात करोगे। लेकिन कैम ग्रीन में वो गट्स हैं कि वो एक तरफा कहीं कभी भी मैच निकाल सकते हैं, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट नहीं जीत पाएंगे हार्दिक के सामने। ये हो गए पांच प्लेयर। नंबर छः की मैं बात कर लेता हूँ। नंबर छः इधर खेलेंगे दिनेश कार्तिक, इधर खेलेंगे या तो नेहाल वदेरा या टिम डेविड। अब टिम डेविड वर्सेस दिनेश कार्तिक, अब देखो एक्सपीरियंस की बात तो इसमें भी आती है, लेकिन टिम डेविड ने भी कम मैच नहीं खेले। 3 साल तो टिम डेविड को आईपीएल खेलते हो गए, आरसीबी से खेले थे एक दो मैच, फिर उसके बाद मुंबई से तो बैक टू बैक ईयर्स खेल रहे हैं, और मुंबई को एक बार तो प्लेऑफ में पहुंचाने में ही टिम डेविड का हाथ था, जब दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया, तो टिम डेविड की बढ़िया जो है थी इनिंग रही थी। इधर है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक वो दिनेश कार्तिक जिनका एक सीजन ऐसा गया कि उनसे बेहतर T20I प्लेयर तो शायद सूर्या भी ना हो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आईपीएल 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। 23 इतना वर्स्ट गया कि वो एक कितने रन बनाए उन्होंने, 130 इतने 130 के आसपास रन बनाए उन्होंने, 140-130 रन किए उन्होंने। और अगर आप देखो तो उनकी एवरेज 11 की, स्ट्राइक रेट उनका 111-121 का, तो ये कोई एक अच्छे फिनिशर की जो है ना वो नहीं होती निशानी। तो अगर मैं इनकी देखूँ, दिनेश कार्तिक की देखूं, और इधर से मैं टिम डेविड को उठाऊं, तो टिम डेविड ने इस टीम को हमेशा जो है वो अच्छा फिनिशिंग टच दिया है, जब इस टीम में हार्दिक पांड्या नहीं थे जब भी, तो ये टीम कहीं ना कहीं टिम डेविड पे फिनिशिंग रोल पे हमेशा रिलाई रहती है, और टिम डेविड डिलीवर करते हैं, कभी डिसअपॉइंट करके नहीं छोड़े। वहीं दिनेश कार्तिक अपनी आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, उम्र आखिरी चल रही है, और होपफुली ये सीज़न भी दिनेश कार्तिक का आप आखिरी हो, क्योंकि कई बार मैं उम्र पर बात करता हूँ ना तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता कि उनको क्या अच्छा लगेगा कोई हमारी उम्र पे बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो कार्तिक का करियर टुवार्ड्स एंड है, तो इस जो बैटल में मैं एक पॉइंट टिम डेविड को दूंगा। टॉप चार में तो भले ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीतती है, और वो टॉप चार में या नहीं किसी भी टीम से विड़वा लो, क्योंकि इनके पास KGF है प्लस पाटीदार का एक्स्ट्रा पावर है, ठीक है, बाकी किसी भी टीम में है ना आप नहीं जीत पाओगे टॉप चार को अगर लेके आओगे आरसीबी से। अब टॉप छः की बात हुई तो 3 पॉइंट मिलते हैं मुंबई इंडियंस को। 3 पॉइंट किसने जिताए, एक हार्दिक ने, एक टिम डेविड ने, और एक सूर्य कुमार यादव ने। वहीं इधर 3 पॉइंट मिलते हैं आरसीबी को, ये 3 पॉइंट KGF ने जिताए, बाकी जो है वो थोड़े से हल्के पड़ गए, क्योंकि भाई जब हार्दिक को आप भिड़वाओगे कैम ग्रीन से, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में हार्दिक के लिए एज ए इंडियन, मेरे मन में ऑलराउंडर की क्षमता में हार्दिक के लिए थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो टॉप चार में आरसीबी इज़ द विनर, टॉप छः में ये टाई रहा है, लेकिन आप बढ़िया बैटिंग की कहोगे तो मैं अपनी टीम की साइड जाना चाहूँगा कि आरसीबी की बैटिंग लाइनअप इस आईपीएल में सुपर डुपर हिट है, सबसे बेस्ट है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और मुंबई इंडियंस फैंस आप गुस्सा मत होइएगा, ये तो एक एनालिसिस था बस एक एनालिसिस था, जो मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू थे वो मैंने रखे, आप भी कमेंट करके और रख सकते हैं। और वीडियो देखी अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ठोको भाई बेल आइकन भी। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें।